हेलो गाइज वेलकम बैक टू अदर वीडियो और इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन कैसे होता है नंबर का तो इसके बाद जो है हम रियल एनालिसिस की वीडियो जो है स्टार्ट करने वाले हैं तो उसके लिए थोड़ा सा हमें जानना जरूरी है फिर से कि कैसे टाइप्स होते हैं जो भी नंबर्स होते हैं हमारे रियल नंबर्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज आती है यहाँ पर वो है रियल नंबर रियल नंबर जिसे हम डोनेट कर डिनोट सॉरी डिनोट करते हैं आर्थ देकर इसे हम कहते हैं रियल नंबर और इसमें क्या आ जाता है सारे के सारे इंटीजर्स आ जाते हैं ई e, पाई और सारे के सारे अगर प्राइम के हम रूट निकाले तो रूट मतलब अगर हम यहां पर दिखाए तो सभी तरह के इंटीजर्स माइनस वन वन रैशनल और इरेशनल दोनों मतलब यहाँ पर ई e आ जाएगा रूट टू आ जाएगा या फिर पाई आ जाएगा तो ये सारे के सारे जो रियल नंबर है बहुत सारे हैं कुछ रियल नंबर्स ने को हमने यहाँ पर देखा तो अभी रियल नंबर्स को जो है हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या तो इसे हम कर सकते हैं या तो रैशनल नंबर रैशनल और या तो इरेशनल या तो रैशनल या फिर इरेशनल और रैशनल को यहाँ पर डिनोट किया जाता है क्यू देकर ओके सो क्यू कुछ ऐसा होता है बोल्ड टाइप का सो so यहाँ पर क्यू हो गया और इरेशनल का अलग से कोई नाम नहीं है तो इसे डिनोट किया जाता है कुछ ऐसे आर माइनस क्यू देकर तो इसे कहते हैं इरेशनल नंबर्स रैशनल हमें पता है जिसे कैसे डिनोट किया जा सकता है पी uh, क्यू ऐसे जहां पर पी और क्यू दोनों ही इंटीजर हो ओके okay, और क्यू इक्वल्स टू जीरो हो तो ऐसे होता है रैशनल नंबर और हमारा इरेशनल जो होता है इनमें क्या जाएगा इसमें हमारा रूट प्राइम नंबर का रूट या फिर जिसका जो स्क्वायर नंबर नहीं है उनका सपोज़ टेन का रूट हो गया तो ऐसे रूट होता है या फिर ई पाई ये सारा का सारा क्या है इरेशनल नंबर होता है ये और ये होता है रैशनल नंबर कुछ ऐसे टाइप्स का अब रैशनल को भी दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर एक हो जाएगा इंटीजर इंटीजर जिसे हमें पता है जेड से डिनोट किया जाता है और एक होता है फ्रैक्शन एक होता है फ्रैक्शन जिसका अलग से कोई नाम नहीं है और इसीलिए हम इसको क्यू माइनस जेड ऐसे भी लिख सकते हैं ओके क्यू माइनस जेड अब इंटीजर क्या होता है इंटीजर होता है माइनस से कुछ ऐसा माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू और ऐसे करते करते ये जाता है मतलब ओके ये जाता है माइनस इंफिनिटी तक और ये जाता है प्लस इंफिनिटी तक ये सारे के सारे इंटीजर हैं और जो भी इंटीजर नहीं है वो ही है फ्रैक्शन अब इंटीजर में एक पार्ट है जिसका नाम है नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर अच्छा नंबर तो इसको डिनोट किया जाता है एन और बचपन में जब हमने जो काउंटिंग सीखा था बचपन से जब हमने फर्स्ट काउंटिंग सीखा था तो हमने वन से सीखा था ना कि जीरो से और वन से लेकर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ऐसे करते करते हमने सीखा था काउंटिंग करना तो वो सारा के सारा था नेचुरल नंबर्स उसके बाद हमने सीखा इंटीजर फिर से हमने सीखा रैशनल फिर हमने सीखा जो है रियल नंबर्स तो हमने नीचे से ऊपर तक गए जब हम बचपन से सीखते आ रहे हैं नंबर्स के बारे में तो ये हो गया नेचुरल नंबर्स और यहाँ पर जीरो नहीं है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है ये इंटीजर का एक सबसेट है ये इसका सबसेट ये इसका सबसेट और ऐसे करते करते जाता है ऊपर तक तो ये बेसिकली है हमारा जो भी नंबर्स होते हैं एक्चुअली और यहाँ पर कुछ नंबर्स जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है मतलब नेचुरल नंबर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीजर बहुत इंपॉर्टेंट है रैशनल uh, तो इम्पॉर्टेंट है ही और यहाँ पर रियल नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रियल एनालिसिस में रियल नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये नेचुरल नंबर भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर इरेशनल नंबर हमारी कोई ज्यादा काम में नहीं आता मतलब ये एक इंपॉर्टेंट नंबर तो है लेकिन उतना ज्यादा नहीं आता ये इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन तो एकदम ही ऑलमोस्ट नहीं आता इम्पोर्टेंट तो हमें इसे जानना तो जरूरी है सब कुछ और रियल नंबर्स ये अब ये चीज जो है इसके भी ऊपर में कोई है हमें वो बाद में पता चला जब हमने हम आ गए क्लास इलेवेंथ में देखा कि रियल नंबर जो सबके ऊपर था उसके ऊपर भी कोई था उसका नाम क्या है उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे डिनोट किया जाता है कुछ ऐसे इसको हम डिनोट करते हैं सी से ऐसे कुछ सी बोल्ड टाइप का सी और इसका जो सारे के सारे इसका एलिमेंट है वो कुछ ऐसे टाइप के होता है ए प्लस आई बी और जहाँ पर ए बी है क्या रियल नंबर्स तो कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ ऐसे होते हैं और ये जो रियल नंबर है ये इसका सबसेट है कॉम्प्लेक्स का देखो ये ये जो इसका टाइप हो गया प्लस आई भी, अगर बील्स टू जीरो हो गया तो ए क्या हो जाएगा ए रियल नंबर में हो जाएगा तब जितने भी रियल नंबर हम कर सकेंगे वो सारा इस रियल नंबर में आ जाएगा और अगर ये बी जीरो के अलावा कुछ और रियल नंबर हो गया तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा रियल नंबर नहीं होगा मतलब वो तब आ जाएगा सी माइनस आर में अगर बी नॉन जीरो है ओके तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की सबसे है रियल नंबर और उसकी सारी की सारी जो सब्सिड है वो यहाँ पर है तो इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और इसके बाद में हम रियल नंबर्स को और भी अच्छे से जानेंगे रियल uh, नंबर्स की जो भी चीज़ है एक्चुअली सीक्वेंस सीरीज और रियल नंबर सिस्टम सो आज के वीडियो में बस इतना ही और वीडियो को आपने अगर पूरा तक देखा तो आप कमेंट जरूर करना तो मिलते हैं हम किसी और वाली वीडियो पे तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर